हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? ठीक तो ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सेट की कहानी को शायद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तक पढ़ चुके हैं। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमको पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ाना था आपको। बच्चों, रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में पूरी कोशिश किया था कि मैं आपको समझा सकूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में दो और टाइप थे, एक था बच्चों रिपीटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा था नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, आप पिछला वीडियो वो जाके देख सकते हैं। बच्चों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं और स्टार्टिंग से जितना भी वीडियोज है हमारा सेट का, जिसमें मैंने सेट का डेफिनेशन बताया, मीनिंग बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया, नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें तीन पॉइंट तो हम लोग क्लियर कर चुके थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब बारी आई थी रैशनल की और इरेशनल की, जिसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमको उसके पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना पड़ा। तो बच्चों, आज हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या नंबर क्या होता है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसके बाद लिखने के लिए तैयार हो जाइए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन पहले याद रखिए कि पहले आपको समझना है बहुत अच्छे से। बच्चों, समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समझने के बाद आप वीडियो को ही रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप नोट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, हाँ, तो ठीक है बच्चों, आप लोग हेडिंग लिख चुके होंगे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। बच्चों, रैशनल नंबर्स की हिंदी मैं आपको कल भी बताया था कि होता है परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर की हिंदी होता है अपरिमेय संख्याएं। एक एक करके देखेंगे। बच्चों, मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना अधिक सुविधाजनक होता है बच्चों। लेकिन यहीं अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने लगें तो वो शायद उतना सुविधा आपको नहीं होगा। अभी कुछ देर बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्यों। अब आप प्रश्न हमसे करेंगे कि सर रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो फिर मैं आपको हमेशा इस बात को कहूंगा कि अगर आप बीच से कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगा बच्चों। लेकिन अगर आप वीडियो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, अगर आप वीडियोज को बहुत ध्यान से देखे हैं तो ठीक है बच्चों, आप जाके पिछला वीडियो में देख सकते हैं कि मैं रोस्टर फॉर्म क्या बताया था और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले देखो, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ और फिर उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रैशनल नंबर है क्या। तो बहुत टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाइए आप लोग, मैं भी तैयार हूँ। ओके, ठीक, देखो बच्चों, पहला रैशनल नंबर्स, तो बच्चों रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। देखो बच्चों, परिमेय संख्या का जो सेट होता है उसे हम जनरली कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। मैंने बहुत पहले ही बताया आपको कि सेटों को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आपने पिछले वीडियोज में देखा होगा, मैं कहीं कैपिटल ए से, कहीं कैपिटल बी से, कहीं कैपिटल सी से, मैं नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई या जेड, आई या जेड से, तो ऐसे हम डिनोट किए थे। तो बच्चों रैशनल नंबर के सेट को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। देखो बच्चों, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, यानी कि जो ये रैशनल नंबर का सेट है, देखो क्या कह रहा है। देखो बच्चों, एक्स सच दैट, एक्स सदैव
मतलब ऑलवेज पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है बच्चों, कॉमा जहां पी तथा क्यू, सॉरी जहां पी और आपका स्मॉल क्यू वन इन है जगह, जहां पी तथा क्यू इंटीजर्स है, क्या बच्चों इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक है, बट लेकिन इंटीजर्स है लेकिन आपका नीचे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन देखा होगा और डेफिनेशन देख के हो सकता है आप इसको समझ ना पाए हो कि ये क्या है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सीखने ही आए हो और अगर आपको सब कुछ आता तो फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ती, क्योंकि आपको नहीं आ रहा इसलिए सीखने आए हो, हम सिखाएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। देखो बच्चों, देखो कह रहा है x सच दैट x सदैव p बाई क्यू के रूप में हो, बेटा p बाई क्यू मतलब क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, यानी जिसमें अंश हो और हर हो, जिस भी संख्या को हम अंश के रूप में और हर के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख लें, जिसको कहते हैं यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब आप किसी भी चीज को भिन्न के रूप में लिखोगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होगा, तो जिसमें जिस संख्या को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख लो, बस इतना जानो, जिस भी संख्या को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो वो आपका क्या है बताओ बच्चों, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। बच्चों देखो यहां कह रहा कि जहां पी तथा क्यू, यानी ये पी और क्यू इंटीजर्स हैं, पी और क्यू इंटीजर्स, जो आपके पी हैं और क्यू हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं इसको और भी शॉर्ट में, कोई जरूरी नहीं है कि इतना मतलब व्याख्या करके लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हो ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, और पी क्यू बिलोंग्स टू आई, आई माने इंटीजर, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये और छोटे में लिखा गया लेकिन बात तो वही है, आप समझ रहे हैं ना बच्चों। देखो बच्चों हम जानते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स चूंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना, तो बच्चों पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, लेकिन कह रहा जो क्यू है यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बच्चों आप एक बात कहीं अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और आप जानते भी होंगे कि कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो अलाउ नहीं है, अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं तो वह इनफाइनाइट हो जाता है। अरे बोलो बच्चों, अगर आपका क्यू जीरो हो गया किसी भी केस में तो ये पूरी की पूरी चीज इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, और इनफाइनाइट अभी तक परिभाषित नहीं है कि वो क्या है, वो डिफाइंड नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, तो क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, पी आपका जीरो हो सकता है, आपका पी जीरो हो सकता है, लेकिन आपका क्यू जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि क्यू सिर्फ जीरो ना होके बाकी कोई भी इंटीजर ले लीजिए, या तो आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए या तो आप निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, और आपका पी तो ऑल इंटीजर्स हो सकता है, यानी जिस भी संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे इतनी बातें तो मैं आपको समझाया कुछ हद तक, अब पहले के अपेक्षा समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी जो भी थोड़ी बहुत डाउट बची है वो आपका एग्जाम्पल के ठीक है थ्रू समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे अनुसार एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना, तो मैं आपको कई एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है बच्चों। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, मैं कहीं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए 8, 5, 3, 2, 100, तो बच्चों देखो ये 8 लिखा है ना,
क्या हम 8x1 लिख दे कोई फर्क? तो देखो 8 जो है हमारा P कवर कर रहा है और 1 जो हमारा Q कवर कर रहा है। क्या Q 0 है? नहीं। तो बच्चों ये रैशनल नंबर है आपका, कॉमा। 5x1, 3x1, 2x1, 100x1। तो बच्चों बताओ P by Q, ये सब हमारे कौन से नंबर हो गए बताओ बच्चों? रैशनल नंबर्स हो गए, यानी जितने भी हमारे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आइए बात करते हैं, एक इंटीजर की बात करते हैं, जीरो की बात करते हैं, जीरो की। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जीरो की। बच्चों कहीं जीरो लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हो 0x1, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बताओ बच्चों पी के जगह पे कौन है? बताओ पी के जगह पे कौन है? जीरो। और बताओ क्यू के स्थान पे कौन है? तो क्या आपका पी जीरो हो सकता है? बिल्कुल सर, पी जीरो हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि पी क्यू बिलोंग्स टू आई बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इसे क्यू देखो जीरो नहीं है। बच्चों तीसरी बात, -3/2। देखो बच्चों ये 3 और ये 2, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, या आप इसको -3 मान लो, -3 भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर। मैंने बोला है P और Q इंटीजर होने चाहिए, -3/2। बोलो बच्चों तो ये सब आपके बताओ क्या हो गए? बताओ ये सब आपके रैशनल नंबर हो गए बच्चों, जिसको P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिए अब ध्यान से। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सबके बटे में अगर हम एक कर दें, सबके डिनोमिनेटर में अगर हम एक कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह पी बाई क्यू यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हमको दिखने लगेगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों इंटीजर्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर, आपके जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो इंटीजर में ही आ जाएंगे, होल नंबर इंटीजर में आ जाएगा, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर भी इंटीजर्स है। आइए बात करते हैं कि जो टॉपिक मैं कल पढ़ाया था उसका क्या यूज है इसमें। तो बच्चों कल मैं आप लोगों को, आपको याद होगा अगर आप मेरा वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कल मैं आपको पढ़ाया था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो बेटा ध्यान दो, आइए बात करते हैं अब डेसिमल नंबर्स की। आइए बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, जिसकी हिंदी मैंने कल आपको बता दिया था कि जिसकी हिंदी होती है दशमलव संख्याएं। बच्चों बताओ इसके कितने टाइप होते हैं? बताओ कितने टाइप होते हैं? बताओ इसके बच्चों दो टाइप होते हैं। एक बच्चों मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, क्योंकि ये सब सारी बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। इसका पहला टाइप है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बच्चों टी माने टर्मिनेटिंग, डी माने डेसिमल और एन माने नंबर्स आप पढ़िएगा। और बच्चों यहां देखो दूसरा वाला क्या है बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है? बच्चों देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में भी दो पार्ट था बच्चों। बोलो बच्चों इसका पहला पार्ट बच्चों आप देखे होंगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर था। क्या था बताओ? रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरा क्या था? नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यही था ना यार? ठीक है देखो तो बच्चों अब क्या है, अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात करूं तो मैं बोला था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के कुछ अंक बाद, कुछ स्थान बाद टर्मिनेट कर जाए, मतलब रुक जाए। बोलिए जैसे एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कोई भी 5.235, दूसरा एग्जांपल ले लो 1.27। तो देखो 1, 2, 3 तीन अंक बाद यह संख्या रुक गया। यहां देखो 2, 7 यानी कि दो अंक बाद यह संख्या रुक गया। तो बच्चों आइए बात अब बात करते हैं किसकी? रिपीटिंग डेसिमल नंबर की। तो रिपीटिंग में मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लिया 523.13131313 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब बच्चों क्या यह टर्मिनेट कर रहा है? क्या यह रुक रहा है? रुक भी नहीं रहा है। और डेसिमल के बाद आप देखोगे 131313 ये आपके क्या कर रहे हैं? रिपीट भी कर रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। आइए बात इसकी करते हैं जिसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स की। जैसे बच्चों इसी में मान लो 523.01500725139 ठीक है ना, 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखोगे बच्चों, वीडियो में देखिए आ रहा है क्या? यहाँ देखिए बच्चों, डेसिमल के बाद टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, रुक तो नहीं रहा है, इसलिए नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या रिपीट कर रहा है? इस केस में रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग है ये। अब बच्चों देखो, अब देखो बच्चों, जितने आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जितने भी होंगे, जितने भी होंगे, वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। बताऊंगा क्यों अभी, यानी कि इनको आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दोबारा बोल रहा हूँ, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वह आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि आप उनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे लिख सकते हैं मैं बताऊंगा। आ जाइए आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में दो पार्ट है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। बच्चों ये जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये बच्चों ये भी आपके क्यू क्यू यानी कि रैशनल नंबर होते हैं, और ये भी आपके क्यू क्यू माने। लेकिन बच्चों ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है, वह आपका इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को क्यू कंप्लीमेंट, क्यू की पावर ऐसे सी लिख दो, क्यू कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ये आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि इसे आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं कभी व्यक्त कर पाओगे, यानी कि इसे आप कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं बदल पाओगे, इसे आप कभी भिन्न के रूप में नहीं बदल पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे नहीं बदल पाओगे, ये सब सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं कुछ ही देर में आपको दूंगा, बस आप तैयार रहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी डाउट्स या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और आपसे आपका कोई छोटा भाई या बहन या कोई भी अगर आपसे ये सब क्वेश्चन कर ले, अगर आप उसको रिप्लाई करेंगे, आप उसका उसको जवाब देंगे, उसका सलूशन बताएंगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि भैया को या दीदी को आता है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने बताया। तो बच्चों ये छोटे छोटे बात है, लेकिन जानना सब जरूरी है। हम पढ़ाई में किसी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम पढ़ाई में ये नहीं है कि मतलब ये नहीं आया तो चलेगा, इतना पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, अरे यार ये चैप्टर टफ है छोड़ दो ना, इस सबसे काम नहीं चलता बच्चों। छोटी बातें हो बड़ी बातें हो, सब पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए। आप अपने मन में यह सोच लीजिए कि हमको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि मैथ्स की एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। बस आप एक बिलीव बनाए रखिए, क्योंकि एक टीचर पर जब तक एक स्टूडेंट का बिलीव नहीं होगा तो वो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आपको बिलीव बनाना होगा बच्चों, प्लीज़। तो आप लोग इसको बिलीव बनाते हुए देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत होने देंगे ही नहीं हम। ओके ठीक है, आइए बच्चों आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होगा वह आपका इरेशनल होगा, क्यू कंप्लीमेंट में लिख दिया हूं। तो इसको कहीं आप जल्दी से एग्जांपल करके नोट करो, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ठीक। एक 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 एग्जांपल से मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो ओके बच्चों, आपको इतनी बातें तो समझ में आ गया होगा कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये रैशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वह इरेशनल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके एग्जाम्पल से मैं आपको अभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया हूँ। जब तक मैं आपको इसी को समझा नहीं दूंगा, इस पर एक एक क्वेश्चन नहीं लगा दूंगा, तब तक बच्चों आपके मन की जो डाउट है वो पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। देखो देखो बच्चों, देखो बच्चों क्या है कि एक काम करते हैं, पहले जैसे रैशनल नंबर्स का हम लोग डेफिनेशन लिख लिए, वैसे इरेशनल का भी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में बताओ, एग्जाम्पल बताओ, इधर देखो बताओ बच्चों, हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, बोलो जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स पूरे,
नेचुरल नंबर्स। बोलो बच्चों, आपका जो होल नंबर है बताओ, होल नंबर्स है वो भी आपका बताओ रैशनल होगा, यानी कि परिमेय होगा। सबके बटे वन बटे वन बटे वन कर दो, कुछ देर पहले मैं आपको अभी बताया। बोलिए इंटीजर्स, 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 जितने भी इंटीजर्स हैं बोलो, आपके इंटीजर्स भी बताओ क्या है, बताओ रैशनल नंबर्स है इंटीजर्स। खैर इंटीजर्स में बच्चों आपका नेचुरल नंबर भी आ गया और होल नंबर भी आ गया, क्योंकि आप इंटीजर का सेट देखोगे तो उसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है और आपके होल नंबर भी इंक्लूड है। मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, तो बहुत टेंशन मत लीजिए। आप अगर नहीं देखें, अगर बीच से वीडियो देख रहे हैं तो दिक्कत है, आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा तो ही सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, आपके जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, वो बताओ आपके, आपके बताओ रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अच्छा आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, बताओ बच्चों ये भी आपके रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो बच्चों ऐसे बहुत से मैंने एग्जांपल दे दिया, इसी वजह से बच्चों मैं बोला था कि रैशनल नंबर को अगर डिफाइन करना है, अगर हमें रैशनल नंबर को डिफाइन करना है तो हमें अगर सेट बोल्डर फॉर्म में डिफाइन किया जाए इसे तो यह ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि बताओ सारे नेचुरल नंबर भी लिखो, सारे होल नंबर्स भी लिखो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आप जानते हो एलिमेंट को लिख लिख के कॉमा द्वारा पृथक करना, सारे इंटीजर्स लिखो, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बहुत से नंबर्स होंगे, ठीक है, उसके सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बहुत से नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी बहुत से होंगे, तो कितने नंबर्स आप लिखोगे। तो इसी वजह से मैं सीधे लिख दिया x सच दैट x सदैव p by q के रूप में हो, पहली बात, और p q इंटीजर हो, p और q इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर्स, लेकिन q जो है जो उसका डिनोमिनेटर वो जीरो ना हो, क्योंकि हम जानते हैं मैथ में डिनोमिनेटर का जीरो होना अलाउ नहीं है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। तो आइए बच्चों डेफिनेशन लिख लेते हैं इरेशनल नंबर का भी, ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स यानी क्या होगा, अपरिमेय, नोट करिए अपरिमेय संख्याएं, संख्या नहीं संख्याएं, एक संख्या नहीं होगा बहुत से ऐसे संख्याएं होंगी, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसकी जो आपका सेट होगा वो q कंप्लीमेंट से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू यही सेम चीज आएगा x सच दैट x को p by q के रूप में, x को p by q के रूप में न लिखा जा सके। बस बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जिस संख्या को p by q के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, इरेशनल नंबर है, यानी कि जो आपने रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखा उसी डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट बात इरेशनल नंबर है। अब मैंने बोला इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी मैं चूंकि इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, यानी जितने भी ऐसे डेसिमल नंबर्स हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, यानी कि रुकते भी नहीं हैं, अनंत तक चले जाते हैं, और कोई भी संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होती है, ऐसे सारे संख्याएं इरेशनल नंबर होगा। अर्थात यह बात क्लियर है कि इन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। कैसे नहीं व्यक्त कर पाएंगे, किस प्रकार नहीं व्यक्त कर पाएंगे, ये सब सारी बातें अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले आप सब लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लो बच्चों, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, आप नोट करिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक तो सारी बातें क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल, एक एक एग्जांपल देखेंगे बच्चों, क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बताओ बच्चों ये रैशनल होते हैं कि इरेशनल? रैशनल होते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया x बराबर 5.25, x बराबर 5.25। अब अगर यह x p by q के रूप में हम व्यक्त कर पाए फ्रैक्शन के रूप में तो रैशनल हो गया, और नहीं व्यक्त कर पाए तो इरेशनल। तो बच्चों देखो, पहले नंबर आप ये बताओ कि ये 5.25 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि यह दशमलव के दो अंक बाद टर्मिनेट हो गया, रुक गया। बच्चों अब बताओ, अगर इस डेसिमल नंबर को मैं दो प्लेस, दो स्थान राइट में लाऊं तो यह हो जाएगा 525 अपान, जब आपने टू डिजिट आगे लाया तो बताओ यहां एक बना के कितने जीरो से भाग दोगे? दो जीरो से। इतना तो आपको पता ही होगा, 525/100। बच्चों हाँ, अब अगर चाहो तो आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हो, हो सकता है 25 से अगर आप काटोगे तो 25 से भैया 25 से 525 काटोगे बच्चों तो शायद आपका 21 बार जाएगा, 21 बार। जैसे बच्चों देखो, 5 2 50, यहाँ बचा 2 और यहाँ 5, 25 बन जा, 25 कैंसिल तो 21 हो गया। इसको जब मैं कैंसिल किया तो 21 हो गया, और जब इसी 25 से 100 को डिवाइड करूँगा तो बताओ बच्चों कितनी बार जाएगा? 4 times। तो बताओ बच्चों आप हमें, अगर आप इसे सिंपलीफाई किए, आप इसे सिंपलीफाई किए तो सिंपलीफाई करने के बाद, यानी कि ये सरल करने के बाद आपका 21/4 हो गया। बच्चों यह मेरा P का काम करेगा और ये मेरा Q का काम करेगा। बच्चों ये हो गया P by Q। क्या आपका Q जीरो है? नो, आपका Q बच्चों जीरो नहीं है, यहाँ 4 है। और बच्चों 21 यानी P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि अगर मैं कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिया तो वह रैशनल नंबर के अंतर्गत ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों आप ऐसे बहुत से एग्जांपल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का अपने मन से मान मान के घर पे सोच सकते हो और आपका वो पी बाई क्यू का फॉर्म जरूर बन जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल से ही सारी बातें क्लियर कर दे रहा हूँ, दूसरा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर देने की आवश्यकता होती मुझे लगता तो मैं अवश्य उसे देता, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं, अब दूसरे की बात करते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स की। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर अगर होगा तो ये भी बच्चों आपका क्यू होगा, ये भी क्यू होगा। कैसे होगा? आइए एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मान लो मैंने माना x इज इक्वल टू, समझिएगा, 10.33333333 हाँ, हम इसको 10.3 का बार लिख सकता हूँ, कल बताया था 3333333। तो बताओ बच्चों सबसे पहले ये कौन सा डेसिमल नंबर है? वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ 3333 रिपीट हो रहा, कोई दिक्कत बच्चों? ये x इज इक्वल टू मान लो मैंने मान लिया। अब इसी अगर x को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बदल दूं, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में बदल दूं, तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं इस बात को एग्री करोगे कि हाँ सर यह रैशनल नंबर है? हाँ ना, बोलो यार। ठीक है, तो देखो अभी मैं कैसे करता हूँ। बच्चों एक बार बताओ, यहाँ 3333333333333 कितनी टाइम्स है? इनफाइनाइट टाइम्स है। और अगर मान लो एक थ्री अगर इधर भी आ गया, एक थ्री अगर इधर आ गया, यानी कि एक थ्री अगर डेसिमल के पहले आ गया, तो कितने थ्री रहेंगे? इनफाइनाइट। अरे मेरे भाई, इनफाइनाइट थ्री था, अगर एक थ्री कूद के आ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कहते हैं कि अगर सागर हो और सागर में से अगर आप एक ग्लास वाटर निकाल लो तो क्या सागर खत्म हो जाएगा?
सागर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा क्या? अभी वो सागर ही रहेगा। तो बच्चों इसी प्रकार से एक काम करते हैं कि हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या दोनों साइड में, क्योंकि कोई भी वर्क करते हैं तो दोनों साइड में करते हैं इक्वेशन के। तो बच्चों मैं 10 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, दोनों साइड में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x बच्चों। और जैसे मैं 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 1 3 आपका जंप करके डेसिमल के पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 103 पॉइंट, एनी प्रॉब्लम? फिर यहाँ क्या बचेगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 डॉट इक्वेशन नंबर सेकेंड, कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चों अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से घटा दूं, यानी कि माइनस कर दूं इक्वेशन सेकेंड को, तो बच्चों राइट साइड में से राइट साइड को घटाएंगे और लेफ्ट में से लेफ्ट को। देखो 10x है यहाँ पे और यहाँ 1x है, 10x में से 1x जाएगा तो बच्चों 9x, अरे यार इतना तो पता होगा यार, 10x में से 1x गया, बताओ क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू, बच्चों देखो यहाँ 3 3 3 3 3 3 3 का क्या है, सागर, यहाँ 3 3 3 3 3 3 3 3 का क्या है, सागर, सागर समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा। तो बच्चों अगर जब माइनस करोगे तो सागर में से सागर जाएगा जीरो, जैसे 5 में से 5 जाएगा जीरो, 8 में से 8 जाएगा जीरो, घोड़ा में से घोड़ा जाएगा जीरो, गधा में से गधा जाएगा जीरो, वैसे सागर में से सागर जाएगा तो जीरो। तो बताओ इसको जीरो हो जाएगा, ये जीरो पॉइंट पॉइंट। 103 में से बच्चों अगर 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 93। 103 में से अगर बच्चों 10 चला जाएगा तो 93 बचेगा। अब बच्चों 93.0 मतलब 93, अब इस 9 को इधर लेते जाओ तो x इज इक्वल टू 93/9। बच्चों पॉइंट बता दिया, कोई फर्क नहीं है। अब बताओ बच्चों यही जो x था आपका, ये देखो आपका बन गया p और ये बन गया क्या, q। p के जगह पे 93 और q के जगह पे 9। तो बताओ बच्चों जब p/q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया तो यह रैशनल नंबर के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों ये बात भी क्लियर हो गया कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होता है। इसीलिए मैं बोला था कि रैशनल और इरेशनल पढ़ने के पहले आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए बच्चों। डेफिनेशन रट लेना ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई को एक एक कदम फूंक फूंक के करना पड़ता। आइए बात करते हैं लास्ट पॉइंट की बच्चों, इनको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, चलिए नोट करिए। तो बच्चों आइए बात करते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स का। ओके बच्चों, बच्चों पहले नंबर में आपको बता दे रहा हूं कि यह एक आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मैं लूं, मान लो 53.17003125000753 डॉट ऐसे चलता रहे बच्चों। देखो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। बताओ बच्चों अगर आप टू डिजिट आप दशमलव को आगे ले जाते तो 100 से भाग होता, 1 डिजिट ले जाते तो 10 से भाग होता, 3 ले जाते तो 1000 से भाग होता। आप अगर मान लीजिए 5 ले जाते तो 1 बना के उतनी जीरोस। तो बच्चों बताओ आप कितना अंक दशमलव ले जाओगे, बताओ कितना अंक, आपको पता नहीं कितना अंक ले जाएंगे सर। तो बताओ आप 1 बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डॉट कितना आप जीरो लगाओगे? तो बताओ क्या ये आपका कोई ऐसा नंबर है जिसे आप क्लियर जानते हो कि हाँ इस नंबर की ये वैल्यू है? क्योंकि बच्चों ये जब डेसिमल हटेगा ना बच्चों तो इनफाइनाइट डिजिट, जान लीजिए क्या बोलते हैं, जंप करेगा। तो आप 1 बना के इनफाइनाइट जीरो लगाते जाओगे तो इसको कभी भी आप p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए। बताइए क्या ये इंटीजर आपको दिख रहा है कहाँ तक जा रहा है? क्या ये वाला इंटीजर आप बता सकते हो कहाँ तक जा रहा है? तो इसे आप p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था आपका इरेशनल नंबर। तो बच्चों आज मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, व्यक्त कर सकें, उसे बच्चों रैशनल कहते हैं और जिसे नहीं कर पाएंगे उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। बच्चों एक बात जरूर आप नोट लिख लीजिएगा, आप जानते होंगे पाई और ई। बच्चों पाई बहुत बार आप सुनेंगे जिसकी वैल्यू 22/7 जानते हो, 3.14 लेकिन बच्चों वो उसका केवल अप्रॉक्स वैल्यू है। इसकी अगर आप रियल वैल्यू देखोगे तो 3.14 चलता रहेगा। यह एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो तो हम लोग केवल 2 डिजिट तक ही बोलते हैं। इसलिए पाई और ई बच्चों आपके कौन से नंबर हैं बताओ,
इरेशनल नंबर है बच्चों, ई इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चर घातांक, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू 2.7 डॉट 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 करके होता है बच्चों, यानी कि पाई और ई ये हमारे दो ऐसे, पाई और ई बच्चों ये इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि इनकी अगर आप रियल वैल्यूज देखोगे तो उसे कभी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाओगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो बच्चों आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।